नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ YouTube चैनल के बारे में। दोस्तों काफ़ी लोग हैं जिनका चैनल YouTube पर बना हुआ है। दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपने चैनल पर डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालते हैं, जिससे उनका जो दोस्तों वॉच टाइम वीडियो का वो बढ़ जाए और सब्सक्राइब कम्प्लीट हो जाए, जिससे दोस्तों उनका जो चैनल है वो जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो सके। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि उनका चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो और वो YouTube से कुछ पैसे कमा सकें। तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको एक ऐसा प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ती है। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिनका चैनल मोनेटाइज होने के बाद जल्दी से मोनेटाइज हो जाता है, उनका मोनेटाइज इनेबल हो जाता है। बट दोस्तों काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है कि जब वो अपने चैनल को मोनेटाइज करवाते हैं तो उनका चैनल अंडर रिव्यू में चला जाता है और काफ़ी टाइम तक दोस्तों वो प्रोसेस में ही रहता है, वो मोनेटाइज नहीं हो पाता ना। दोस्तों मोनेटाइज होता है और ना ही दोस्तों उसका कोई नतीजा निकलता है, वो प्रोसेस में अटका रहता है। तो काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं ये देखकर। तो दोस्तों आज मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और आपको बताऊँगा कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कैसे या दोस्तों आप अपने चैनल का मोनेटाइज 11 करवा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हर कोई चाहता है कि उसका चैनल मोनेटाइज हो सके, तो वो दोस्तों जिनका भी चैनल यूट्यूब पर है, जो लोग नए होते हैं वो अपने चैनल पर नई नई वीडियो डालते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं, जिससे दोस्तों उनके जो वीडियो हैं उन पर भर भर के व्यूज आएँ, जिससे उनका वॉच टाइम बढ़े और सब्सक्राइबर बढ़ें। दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद लोग अपने चैनल का जो क्राइटेरिया है वो पूरा कर लेते हैं, बट दोस्तों आखिरी में आकर जब मोनेटाइज इनेबल करने का वक्त आता है तो दोस्तों उनके चैनल पर दो तीन स्टेप आते हैं जो आप डिस्प्ले पर देख सकते हो। दोस्तों पहला तो अपने आप हो जाता है, उस पर क्लिक करने के बाद ही जैसे दोस्तों दूसरे इनेबल करते हैं तो उसमें दोस्तों हमें गूगल एड्स एन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो दोस्तों वो भी हो जाता है अकाउंट बनाने के बाद। बट दोस्तों तीसरा जो स्टेप है वो दोस्तों ऑटोमेटिकली यूट्यूब की टीम होती है वहाँ पे चला जाता है अंडर रिव्यू में। अब दोस्तों इसमें कुछ लोगों का तो एक दिन में हो जाता है इनेबल, और दोस्तों कुछ लोगों का काफ़ी टाइम लग जाता है, दो दिन भी लग जाते हैं, एक सप्ताह भी लग जाता है, महीना भर भी लग जाता है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका चैनल को प्रोसेस में गए हुए कम से कम 4-5 दिन हो चुके हैं और अभी तक दोस्तों कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया है, तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ तरीका बताने वाला हूँ जो आपको करना है। दोस्तों आपको नीचे एक साइड में जो 3 स्टेप का जो आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है 3 स्टेप वाला, उसके सबसे नीचे लास्ट में एक ऑप्शन आता है फीडबैक का। दोस्तों आपको क्या करना है कि जब भी अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको जो चैनल है वो प्रोसेस में चल रहा है, तो आपको दोस्तों ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन है फीडबैक का, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों वहाँ पर एक अलग से एक पेज खुल के आ जाएगा आपके YouTube स्टूडियो के ऊपर ही, जिसमें दोस्तों एक ऑप्शन आएगा मैसेज टाइप करने का। आपको दोस्तों उसमें एक मैसेज टाइप करना है। तो मैंने उसमें जो मैसेज टाइप किया था वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने लिखा था, डियर YouTube टीम, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कम्प्लीट हो चुका है और मेरा चैनल लास्ट 3 दिन से अंडर रिव्यू में चल रहा है, अभी तक उसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को एक बार देखें और उसका मोनेटाइजेशन इनेबल करने का कष्ट करें, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसा कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं है, मेरे जो चैनल का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो चुका है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज 11 करने का कष्ट करें, थैंक यू। आपको इतना मैसेज टाइप करना है। और दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर डायरेक्ट कॉपी करके उसे सेंड फीडबैक में भेज सकते हो अपने चैनल पर। दोस्तों जब मेरे साथ भी प्रॉब्लम आ रही थी 3 दिन से, तो मैं भी काफ़ी परेशान था 3-4 दिन से, क्योंकि जब भी मैं ओपन करके देखता था अपने चैनल को तो उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी इन प्रोग्रेस वाली, तो जैसे ही मैंने इस मैसेज को सेंड फीडबैक में सेंड किया, उसके दोस्तों कुछ ही घंटे बाद मेरे पास एक यूट्यूब का मैसेज आया कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, आप देख सकते हो डिस्प्ले पर मेरे पास जो यूट्यूब की टीम से मैसेज आया था कि आपका चैनल इनेबल कर दिया गया है, मोनेटाइजेशन इनेबल कर दिया गया है। दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपने चैनल को मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस चलता है आप उसे इनेबल करवा सकते हो एक मैसेज भेजकर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।